फैमिली होप यू आर इन्जॉइंग योर हेल्दी लाइफ और आपके गुड विशेज से हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं। और नासिक में ना ठंडी का मौसम आ गया, ठंड नहीं आया है एक्चुअली, कुछ दिनों से बारिश हो रही है, लगभग 4-5 दिनों से। तो यहाँ बारिश होती है ना तो हल्का हल्का ठंड भी लगता है, सुबह हो दोपहर हो रात को तो ज़्यादा लगता है, अगर फ़ैन चला दिया तो और ठंड लगता है। और उसमें ना कंबल ओढ़ के सोने में मज़ा ही आ जाता है। विंटर ख़त्म होते से ही ब्लैंकेट्स को धोकर मैंने ट्रॉली में रख दिया था और ऊपर ही रखती हूँ कि अभी के टाइम में निकालने में बनेगा। और सारे ट्रॉलीज तो ऊपर ही होते हैं, आपको पता ही, मेरे बेड में स्टोरेज नहीं है। और ये बेडशीट सेट जो है ना वो मेरे शादी के टाइम का है, तो इसमें कुशंस थे तो मैंने सोचा चलो अभी वो भी निकाल ही देती हूँ, बड़ी क्यूट क्यूट से है। ट्रॉली खाली हो गया तो मैंने सोचा लगे हाथ ना जो कम्फर्टर जो पहले यूज़ कर रहे थे अभी गर्मियों के टाइम में, या पतले वाले जो चादर होते हैं ना, वो सब मैंने वॉश कर दिए थे, तो लगे हाथ उनको जगह पर बिठा देती हूँ कि फालतू का एक काम बाद में बढ़ नहीं जाए। और ये पुरानी बेडशीट है, इसे ढक देती हूँ, इससे क्या होगा ट्रॉली गंदा भी नहीं होगा और एक टाइप का स्टोरेज का काम भी कर रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान है तो उसमें डाल सकती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह। और ये सारा है वो कार्टन से आपको पता ही होगा जिसपे मैंने बुक्स रखे हुए, और जो पर्दा का कवर होता है ना पुराना उसे ढक दिया है। याद है कि एकदम लाइट फैन चल रहा है टू पे और जीतू मस्त सोया हुआ। ये मेरा दोहर है तो अब दोहर से काम चलने वाला है नहीं, मौसम एकदम मस्त हो गया। अगर हमने दरवाज़ा खोल दिया ना स्टैंडिंग बालकनी का या मेन बालकनी का, तो बड़ी मस्त हवा आती है और ठंडा लगने लगता है। आज लकीली ना जीतू 5 बजे सो गया वापस से सेकेंड टाइम, तो मैंने सोचा फटाफट से टाइम यूटिलाइज़ करके ना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो दोनों ब्लैंकेट को ले आई हूँ, जगह पर लगा देती हूँ। दोनों ही डबल बेड के हैं तो एक रोहित यूज़ कर लेंगे, एक मैं और जीतू। और ये जो सिल्क के पतले वाले ब्लैंकेट है और दोहर, दोनों को धोकर बाद में रख दूँगी। बहुत दिन से फेस क्लीन अप करने का सोच रही थी और आज वो बेस्ट टाइम मिली किया मुझे, तो सबसे पहले क्लिनसिंग मिस्ट से क्लीन कर लिया फेस को। और उसके बाद ना मैंने रागा का यहाँ पे टिटैन पैक लगाया है, हाफ बच गया तो उसको रबर बैंड लगा के रख देती हूँ, नेक्स्ट डे बैक नेक पे और नेक पे लगा लूँगी। ये है रागा का टिटैन किट जिसमें ना 5 पैकेट्स हैं और ये काफ़ी अच्छे क्वान्टिटी में है, बहुत ही अच्छा है। और गाइज मैं इसको सेकेंड टाइम यूज़ करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर, ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है गाइज, ये मैंने अमेजन से पे करके परचेज किया है। जब मैं ऑर्डर करी थी ना तो मिनिमम 2 क्वांटिटी था, यानी कि मुझे 2 किट रिसीव हुआ है, पर किट 5 पैकेट्स हैं और 400 ओवरऑल चार्ज है, मतलब दोनों किट को लेकर 400 ही मैंने पे किया, तो मेरे पास 10 पैकेट्स हो। बारिश जब तक नहीं आती है तो परेशानी होती है, जब आ जाती है तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। अभी क्या करें, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। जीतू का मैक्सिमम टाइम वो जब जगह होता है ना तो सोफे पे ही बीतता है, क्योंकि हम लोग भी सोफे पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी है तो वो ना बैठता है। तो अभी बच्चा है, अभी यूरिन डिस्चार्ज के लिए ना उसे समझ में नहीं आता है, तो सोफे पे सुसु कर देगा तो सोफा खराब हो जाएगा। धूप तो है नहीं, सुखाने कहाँ जाऊँगी, इसलिए ड्राई शीट बिछा दिया है, अभी और लेना पड़ेगा अगर पूरा सोफा कवर करना पड़ा तो। और बहुत दिन से मेरा एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ था तो उसको सोची चलो निपटा देती हूँ। और ये गुड गियर का जो स्क्रूज़ का जो डब्बा है ना बहुत यूज़फुल है, ये एक्चुअली फ़ोटो फ्रेम है जो 3 साल पुराना है, फ़ोटोज़ बनवा लिए थे लेकिन उनको लगाने तक का मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम होता भी है तो फिर जीतू रहता है जगह, तो फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं ना स्क्रूज, इनको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये गुड गियर के हेल्प से ना बड़ा मतलब आसानी से हो गया मेरा काम। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा किचन एक्टिविटीज़ हो या घर के एक्टिविटीज़ में, इसमें अलग अलग सेट है तो बहुत हेल्प हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन के हैंडल्स, पैन के हैंडल्स सारे लूज़ हो गए थे तो उनके भी स्क्रूज़ लूज़ हो गए थे, तो इसी के हेल्प से मैंने टाइट किया तो बहुत बड़ा हेल्प हो गया। आई गेस ये सारे घर की कहानी होगी तो मुझे ऐसा लगता है ये तो आपके घर में होना चाहिए। बार बार ध्यान घड़ी पर जा रहा है क्योंकि 15 मिनट के लिए टिटैन पैक लगाया हुआ है, तो ध्यान है कि कहीं टाइम सीड ना हो जाए। तो फाइनली ये फ्रेम को मैंने ओपन कर लिया और मैं फ़ोटोज़ लगाने जा ही रही थी तो देखा कि 20 मिनट्स हो गए, तो अब फेस को अच्छे से धो लेना चाहिए, तो मैं आ गई वॉशरूम में। आप चाहे तो स्पॉन्ज भी कर सकते हो लेकिन मुझे बहुत खटर पटर नहीं करना है, जीतू उठ जाएगा ना तो मेरा काम रुक जाएगा। एक ही टाइम पर मैं 2 काम निपटा रही हूँ, एक फेस क्लीनिंग का और दूसरा फ़ोटोज़ लगाने, और तीसरा ना डर लग रहा है कि कहीं जीतू उठ गया ना तो मेरा सारा काम अटक जाएगा। दोनों आप पैर रखी हूँ कहीं डूब ना जाऊँ। खैर कोई नहीं, मेरा फेस हो गया है क्लीन और आप देख सकते हो वॉश करने के बाद ही कितना अच्छा ग्लो आ गया, क्लीन लग रहा है फेस। फ़ोन में इससे ज़्यादा मुझे ना सामने से क्लीन लग रहा है। और यहाँ पे मैं एम कैफिन का ये फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ जो कि ग्रीन टी से बना हुआ है, ये मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और फिर
ये सेकेंड ट्यूब है मेरा एक्चुअल में, काफ़ी अच्छा है, इसके पार्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से फेस क्लीन हो जाता है। तो मैंने सोचा, पहले तो मेरा इरादा था कि डिटैन ही करके छोड़ दूंगी, बट देखा कि जी तू सो रहा है तो चलो आज थोड़ा फेस क्लीन अप कर ही लिया जाए। वो इस तरीके से कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करते करते मैं 10 मिनट के लिए फेस स्क्रब करती हूँ, फिर हल्का सा पानी लगाकर हाथों में फिर से स्क्रब कर लेती हूँ। तो इससे ना अच्छे से फेस क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करूँगी क्योंकि बारिश का टाइम में स्किन ड्राई है तो फिर ड्राइनेस बढ़ सकती है। तो जी तो यहाँ मस्त सो रहा है तो मेरा स्क्रब करके हो गया है और यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ डिटैन फेस पैक। ये बेला वीटा का, ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा है, आप इसको डेली पर्पज़ से भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी मैंने अमेजन से परचेज़ किया हुआ है। अगर मैं ना सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, साथ में ये मुझे इसलिए पसंद आया ना, इसके साथ एक ब्रश आया है जो कि किसी भी फेस पैक के साथ नहीं मिलता है और ब्रश बहुत ही क्यूट सा है। वैसे तो मैं फिंगर के हेल्प से ही फेस पैक अप्लाई कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने हाफ स्पून ही लिया है और इस पर थोड़ा सा गुलाब जल डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कर लूँगी फेस पे अप्लाई। इस तरीके से टेक्सचर आपको पतला कर लेना, आपको आपके अकॉर्डिंग आप टेक्सचर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अच्छे से फेस पे अप्लाई कर देना। अभी मैं शाम को ये सब काम कर रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ फेस पे किया है, नेक पे नहीं किया। और मीनवाइल मेरा ये फोटो भी लग गया है, एक थोड़ा मॉडर्न लुक में और एक थोड़ा ट्रेडिशनल लुक। फोटोज तो लगा लिए लेकिन एक चुनौती हो गई है, वो बताती हूँ। मुझे वापस से खोलना पड़ा फोटो फ्रेम और जब मैं सेकंड टाइम खोली तो जीतू उठ गया था। एक तो फेस पैक लगाई हुई हूँ और यहाँ पे कुछ भी छोड़ के मैं जा नहीं सकती हूँ, धोने के लिए ड्राई हो रहा था। अब मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई। तो क्या हुआ है ना, जो फोटो फ्रेम है, जो वॉच लगा हुआ था, वो 3 साल पुराना फ्रेम है, बताइए आपको स्टार्टिंग में, तो वॉच ख़राब हो गया था। मैंने बैटरी लगा के देखा, मुझे लगा चलेगा तो फिर काम आ जाएगा, लेकिन अब गलती ये हो गई ना, स्टार्टिंग में मैंने नहीं लगाया सेल और चेक नहीं किया। अब मुझे दोबारा खोलना पड़ा और ये जो बीच वाला है उसका वॉच मैंने निकाल दिया है और मैं बहुत सोची कि अब ये क्या करूँ। फ्रेम बहुत ही क्यूट सा है तो मैंने उसको यूटिलाइज़ करना था, बट इसको मतलब अगर दिमाग नहीं लगाती तो फेंकना ही पड़ता, फ्रेम को कोई ऑप्शन नहीं था। सोचने के बाद मुझे एक सोल्यूशन मिला, तो सबसे पहले मैंने कांच निकाल दिया और ये जो वॉच का जो एरिया है ना उसको बैक साइड से ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो मैंने फ्रंट से कांच निकाल दिया और जो नीडल्स है वो हटा दिए और फिर मुझे ये सोल्यूशन मिला। मम्मा पापा तो है तो बेटी को कैसे भूल सकते। तो मैंने पहले भी जीतू का फोटो बनवा लिया हुआ था, पहले से था मेरे पास, तो 2 फोटोज़ थे मेरे पास, एक थोड़ा स्टाइलिश लुक वाला और ये क्यूट वाला। तो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा नहीं, ये क्यूट वाला ही लगाती हूँ, अभी बेबी जीतू का फोटो लगा देती। एक्चुअली फ़ोटो का साइज़ ना फ्रेम से बड़ा था तो उसको ना सीजर के हेल्प से कट कर करके मैंने फिर वहाँ पे बार बार चेक करना पड़ रहा था, फिर फाइनली वो साइज़ मिल गया मुझे। फिर क्या था, फिर भी क्विक से 4 डॉट्स लगाए, फ़ोटो को वहाँ चिपका दिया और एज इट इज़ जैसे वहाँ पे कांच लगा हुआ था वो लगा दी। फिर भी एक पनौती लग गई, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये देखो, ये मेरा बेटे का फ़ोटो लग गया, 2 में कांच है, 1 में कांच नहीं है, 1 का कांच टूट गया। फिर मैं आ गई यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। एक्चुअली ट्यूसडे का ब्लॉग है मेरा, फास्टिंग है, तो शाम को मैं मूँगफली और मखाना खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया रिफाइंड और खूब सारा मखाना डाला, मतलब ये ऐसा ब्रेकफास्ट है जो हम तीनों ही खाएंगे लेकिन अलग अलग फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने मखाना फ्राई किया और जीतू को ना मखाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो देख के समझ जाता है कि मम्मा मेरा फेवरेट बना रही है। तो उसकी कटोरियाँ पहले से ही लग जाती है लाइन में कि और पहले तो ना वो 2 कटोरियाँ निकालता था लेकिन अब वो 1 ही निकालता है क्योंकि मैं 1 में ही देती हूँ ना वो देखते देखते, नहीं तो अभी बीच में उसको ना दोनों हाथ से खाने की आदत हो गई थी। तो मखाने में क्या है ना कि थोड़ा सा तेल डाला तो अच्छा फ्राई हो जाता है। फिर यहाँ पे जीतू को मैंने पानी पिलाया और जब तक वो मखाना रेडी नहीं होगा ना वो वहीं पे खड़ा रहेगा और ये ना मुझे बहुत डर लगता है कुकिंग करते टाइम पे। और एक इंसिडेंट हुआ भी है जो कि आपको वीडियो में आगे दिखने को मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक्चुअली जीतू आगे में खड़ा होता ना तो मुझे स्टोव तक जाने के लिए स्पेस प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो मैं काम नहीं ढंग से कर पाती, इसीलिए मैं जीतू को ना हमेशा साइड में बिठा के रखती हूँ क्योंकि रोहित आने के बाद ना टीवी देखने में बिजी हो जाते हैं और जीतू अकेला पड़ जाता है। ये देखो सॉल्ट बॉटल की हालत कैसी हो गई है बारिश की वजह से। तो मखाना मैंने निकाल लिया था, फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डाल के वापस से मूंगफली भूना, फिर ज्वार का मुरमुरा डाल दिया और ये मखाना पलट दिया। ये एक्चुअली मैं रोहित के लिए बना रही हूँ सॉल्ट वाला, मैं तो बिना सॉल्ट का खाऊँ। ये देखो, ये इंसिडेंस हुआ था जब मैं पलट रही थी ना तो कढ़ाई हाथ से फिसल गई। अच्छा हुआ मैंने मतलब थोड़ा दूर रखा हुआ था, सामने में रहता तो सोचो कितना बड़ा इंसिडेंस हो जाता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस, अकेले बच्चे के साथ सारा काम करने में बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जीतू का प्लेट तैयार कर रही हूँ, उसमें मैं
मखाना और ज्वार का मुरमुरा डाल रही हूँ। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट जिसमें सिर्फ मखाना और मूँगफली है जो बिना सॉल्ट का है। जीतू का है मखाना और मुरमुरे और रोहित में तीनों ही चीज़ है, सॉल्ट वाला दिया है उन लोगों को, मेरा बिना सॉल्ट का। तो हम तीनों ने नाश्ता किया, फिर चाय तो सबको बनानी आती होगी लेकिन मेरे स्टाइल की एक बार चाय ज़रूर बना के देखना, बहुत ही अच्छी बनेगी। ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले पानी को बॉयल करना है, फिर चाय पत्ती डालनी है, फिर दालचीनी डालना। ध्यान ये रखना है कि ये वाला जब फॉर्म में आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती का क्वांटिटी कम रखें। फिर एक कप पानी डालना है और एक कप दूध डालना है। अगर आप चाहो तो डेढ़ कप पानी एक कप दूध भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बॉयल आने दीजिए, चाय बहुत ही मस्त बनती है, बहुत टेस्टी। इस तो क्लीन हो गया है नो डाउट, मतलब पर्सनल रिव्यू यही मैं दूंगी कि रागा का डिटैन बहुत ही अच्छा है। अगर हम पार्लर में यही डिटैन सिर्फ करवाने जाएंगे तो सबको प्राइस पता है 300-400 आराम से लग जाएगा। और मैंने 400 में पूरा किट मंगाया है, दो बॉक्सेस थे, एक बॉक्स में 5 किट है और दो में 10 हो गए। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो पर पीस कितना आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, आराम से कितने पैसे बच सकते हैं। डिटैन आप खुद से घर में कर सकते हो, रिजल्ट नो डाउट बहुत ही अच्छा है। कहीं भी जाने से पहले अगर आप मतलब डिटैन भी किया तो फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। मेरा फेस पहले और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मुझे सामने से भी फील हो रहा है और आपको भी वीडियो में पता चल ही रहा होगा। और थोड़ा सा स्क्रब करके पैक लगा लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लगभग आधे घंटे का काम है। मुझे फेशियल करवाने जाना था बट टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, रोहित काफ़ी लेट आ जाते हैं, 8 बजे तक आते हैं तो फिर उसके बाद पार्लर नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो घर में ही करती हूँ। तो मैंने अमेजन से ही मंगाया था, तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी उसका लिंक, आप चाहो तो मंगा सकते हो, आराम से मंगाइए। और 10 पैकेट है, इनफैक्ट एक पैकेट को आप दो बार यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है, और अगर नेक पे बैक नेक पे अप्लाई करना है तो पूरा एक पैक जो पैकेट है वो यूज़ हो जाएगा। तो मैंने हाफ अप्लाई किया और हाफ मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो अगर आपको सिर्फ फेस पे यूज़ करना है तो आप 20 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, नहीं तो 1 टाइम भी यूज़ कर सकते हो ऐसा। और 400 में आपका पूरा 10 मंथ्स कवर होता है। ऐसे जो किट है उसके बैक साइड में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्रीम बेस है तो क्रीम बेस बस अप्लाई कर देना है, 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा इचिंग होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं होता है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा। बाकी मैंने एक दो बार डिटैन करवाया है तो बहुत इचिंग होता है, इरिटेशन होता है, तो मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मेरे लिए वो सूटेबल नहीं रहा। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि इचिंग भी कम होता है और 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। खैर कोई नहीं, तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, पसंद आता हो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे। रुको 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 गाइस, ये आया जीतू। जीतू देखो कितना शाइन कर रहा है, यहाँ 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 जैसे फेशियल करा कर आते हैं ना तो वैसे मुझे फील हो रहा है। ये देखो आया, तो ये भी आया अभी जस्ट, मैं जैसे एंड कर रही थी ब्लॉग तो ये पहुँच गया। तो कर दो, आज दोनों मम्मा बेटे ने रेड कलर पहना है बिकॉज ये ट्यूसडे का ब्लॉग है जो कि लेट पोस्ट होगा नो डाउट। तो ब्लॉग में हाय हेलो नहीं करना है, करना है तो करो, करो हाय शाय कर दो, फ्लाइंग किस दे दो, गुड नाइट बोल दो, बाय बाय कर दो।